लगातार बच्चों को मैं कवरेज करता आ रहा हूँ और आज लगभग छठा या सातवां दिन लगभग हो चुका है, लेकिन अब तक मामले पर FIR दर्ज नहीं की जा रही है। पुलिस विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार से अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। पुलिस विभाग से बात की जाती है तो जांच चल रही है, ये बताया जाता है। आज ठीक बालाघाट में आज दिनांक 12/12/2022 को यहाँ पर बच्चे पुनः बालाघाट आए हैं और अपनी जो समस्या को जो है वो SP और कलेक्टर को बताने आए हैं। आज इनके साथ तमाम संगठन, बालाघाट के बहुजन संगठन जितने भी है तमाम। विगत 6 दिसंबर की घटना है रामपाली के स्कूल की, जिसमें एक वैष्णव मास्टर है उसके द्वारा लगातार विगत कई वर्षों से उस स्कूल में पढ़ने वाली बच्चे हो या बच्चियाँ हो लगातार बाबा साहब को अपमानित किया जाता है और जातिगत रूप से बच्चों को लगातार अपमानित करने का काम किया जा रहा है, जिसके कारण उसको विगत 2 बार निलंबित भी किया जा चुका है। लगातार 6 तारीख के बाद वर्तमान तक उस पर अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया। लगभग 6 बार ये सभी बच्चियां, इनके पिताजी, भीम आर्मी संगठन एवं सामाजिक संगठनों ने थाने में इनका बयान करवाने की भी कोशिश की गई, लेकिन वर्तमान तक इनका कोई बयान नहीं लिया गया है। अब बयान लिया भी गया है तो जो इन्होंने बोला है उस तरीके का बयान जो इनसे कागज पर साइन करवाई गई है वो नहीं ली की गई है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन रामपाली का और जिला प्रशासन इस मामले को दबाने का काम कर रहा है। इसके पहले भी बालाघाट जिला हो या संपूर्ण मध्य प्रदेश हो या भारत देश हो, जब लगातार इस तरीके की घटना OBC समाज हो, SC समाज हो, ST समाज हो, जो पिछड़ा समाज भारत देश का है उनको लगातार इस तरीके से अपमानित करने का काम बड़े उच्च अधिकारी हो या बड़े धन्ना सेठ हो या पूंजीपति लोग हो, ये लगातार कर रहे हैं। हमारी मांग है कि जो वैष्णव मास्टर ने जातिगत रूप से इनको अपमानित किया है और बाबा साहब के बारे में गलत टिप्पणी किया है उस पर अपराध पंजीबद्ध हो और 4 दिवस के भीतर उसके निलंबन की कार्रवाई की जाए। अगर नहीं होती है निलंबन की कार्रवाई और अपराध पंजीबद्ध नहीं होता है तो सिर्फ संपूर्ण बालाघाट जिले का OBC SC ST वर्ग नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश का ST SC OBC वर्ग सड़कों पे उतरेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला कलेक्टर महोदय, जिला पुलिस अधीक्षक की होगी। देखिए, ये जो आंदोलन की शुरुआत बच्चों ने और उनके माता पिता पेरेंट्स के द्वारा 6 तारीख से ही ये चले आ रहा है और 6 के बाद जिस प्रकार से बच्चों के साथ हमने आवेदन दिए लोकल थाना प्रभारी को, तो उसके बाद में जो विभागीय कार्रवाई है उसमें BO साहब आए थे, BRC के कार्यकर्ता आए थे, उसमें पदाधिकारी आए थे, जिसमें पूरी जांच कमेटी के द्वारा ये पाया गया कि जो जातिवादी शिक्षक है राजीव वैष्णव वो दोषी पाया गया है। इसका प्रमाण है जिसमें BO साहब ने लिखित तौर पर हमको पत्र जारी हमारे द्वारा, मतलब कि मीडिया के सामने वीडियो में और पत्र में जो जिन DO साहब का जो उन्होंने पत्र प्रेषित किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि राजीव वैष्णव दोषी पाया गया है और इसको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में स्थिति ऐसी है कि वो जो टीचर है वो कायदी में उन्हें अटैच किया गया है। तो हमारा सभी का, जो जितने भी यहाँ सामाजिक संगठन यहाँ पे आए हैं, तो सभी का एक ही यहाँ पे मत है कि इस प्रकार का जातिवादी शिक्षक, अगर चाहे वो रामपाली का स्कूल हो चाहे वो कायदी का स्कूल हो, वो इस प्रकार की जातिवादी मानसिकता अपनी सोच लगभग हर स्कूल में ही जो फैलाएगा, तो हमारा जो है जिला शिक्षा अधिकारी से माध्यमिक शिक्षा मंडल डायरेक्टर सभी से हमारा ये आग्रह है कि इस प्रकार के जातिवादी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। सर, मैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपाली में पढ़ती हूँ। वहाँ पर हमारे एक राजीव वैष्णव सर है जो जातिवाद टिप्पणियाँ करते हैं और मतलब जातिवाद पे जाते हैं, मतलब संविधान के बारे में कुछ गलत कहते हैं, डॉक्टर बाबा अंबेडकर के बारे में कुछ गलत कहते हैं, बुद्ध भगवान को भगोड़ा कहते हैं, महारों को मैरे कहते हैं, लड़कियों को लचांड कह के बुलाते हैं और बोलते मैरे क्या उखाड़ लेंगे बोलते हैं। और हमने जब हम 6 तारीख से, मतलब हमने 6 तारीख से आंदोलन चलाया है, 6 तारीख को हमने मतलब लोकल थाने में FIR दर्ज करवाई है तो उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है, इसीलिए हम यहाँ पर SP कार्यालय में आए। राजीव वैष्णव वो जातिगत रूप से अपमानित कर रहे हैं एवं बाबा साहब के खिलाफ शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो संविधान रचयिता है जिन्हें पूरा देश मानता है उनका वहाँ अपमान कर रहे हैं और ये काफ़ी दिनों से चल रहा था।
बच्चियां जब मानसिक रूप से परेशान हो गई तो उन्होंने अपनी परेशानी घर वालों को बताई। घर वालों ने जब सामाजिक संगठनों का सहारा लिया तब वहाँ पर भीम आर्मी काफ़ी एक्टिव है, उनके पदाधिकारियों ने जाकर वहाँ बात की, पूरे मामले की जानकारी एकत्रित की गई और हम लोग यह चाह रहे हैं कि उन पर कानूनी कार्रवाई हो और 4 दिवस के भीतर अगर FIR नहीं करते हैं, पुलिस प्रशासन FIR नहीं करता है तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। तो अभी वहाँ संबंधित थाने गए होंगे, क्या बोले थाने वालों ने? शिकायत करने गए होंगे तो क्या बोले? शिकायत लिए नहीं लिए? जांच चल रही है, जांच चल रही है, यही जानकारी दे रहे हैं, जबकि यह मामला सीधा अस्पृश्यता से जुड़ा हुआ है और यह हमें प्रावधान मिला हुआ है अनुच्छेद 15 में हमको बोला गया है और उस पर वह अपमानित कर रहे हैं सर, तो इस पर कार्रवाई हो जल्द जल्द। अगर नहीं करता तो यह पूरे सामाजिक संगठन SC ST OBC के मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हम बाबा साहब का अपमान सहन बिल्कुल नहीं करेंगे।